आने वाला हूँ। सारे नु मेरी राम राम। या देखो या हुई ना आज हरियाणा के छोरी वाली बात है, समझ तो गई मैडम को कुछ कुछ पल्ला तो पड़ लगी। इतना सारा मसाला उसका पीस के घर में बना कर रखा और अपने कई दिनों तक खाया। वो दिख रहा है नतीजा। सर बिल्कुल हेल्दी है, मैं भी बिल्कुल हेल्दी है। इसीलिए तो छिब्बर एग्री का आटा खाते हैं, इसलिए तो हेल्दी है। तो बताने की जरूरत नहीं है किस चक्की का आटा खाते हैं, किस चक्की का मसाला खाते हैं, तो छिब्बर कंपनी का आटा खाते हैं। जी बिल्कुल मैम। ये आप देख सकते हैं लाइव डेमो। चल देखिए, हमारे सारे दर्शकों ने फिर से मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कोहाड़ और फिर से हम हाजिर है कोटकपूरा में, जहां पर आपको एक नई पेशकश हम दिखा रहे हैं। और आज आपको एक अलग चीज ऐसी दिखाएंगे जो बोलते हैं छोटा पैकेट और बड़ा धमाल। आज फिर एक पेशकश ऐसी लेके आए हैं, छोटा पैकेट बड़े धमाल। ये देखने में आपको भले ही छोटी लग रही होगी, लेकिन ये काम इसके बड़े बड़े हैं, कारनामे बड़े बड़े हैं। तो बाकी भी आपको ये चीज़ें देखो, इतनी चार चीज़ें आपको लाइन में दिखाई दे रही है। तो ये मसाले पीसने की मशीन है और ये भी चक्की है। तो ये चार चक्कियाँ दिख रही होगी आपको, मेरे को भी दिख रही है, लेकिन इनकी जो पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल है, तो वो जानेंगे कि क्या क्या काम करती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल किस प्रकार करेगा। तो सारी जानकारी लेंगे। दो छोटा पैकेट जब बड़ा धमाल कर सकता है, तो बड़ी तो और भी बड़ा धमाल कर सकती है। तो ये देखिए मशीनें यहाँ पर रखी गई है। और एक और चीज़ बता दो, ये छिब्बर एग्री इक्विपमेंट की सारी ये मशीनें हैं जो कि एक नई नई पेशकश आपके सामने लेकर आती है। उनका जो तो मतलब छिब्बर जो ये छिब्बर कंपनी है, छिब्बर कंपनी की हमेशा कोशिश रहती है जो हमारे किसान भाई है या फिर कोई भी है, उनके लिए एक रोजगार का साधन तैयार करना, या फिर वही है कि टाइम कम लगना और उसमें काम ज़्यादा हो जाना, पसीना कमाना, मेहनत इतनी ना करनी पड़े। तो ऐसी नई नई पेशकश छिब्बर कंपनी की द्वारा लेकर आई जाती है। वो चाहते हैं कि हर जगह पर ये मशीनें जाएं और मेहनत कम लगे। तो हम यहाँ के मालिक हैं जो पारुल जी, उनसे बात करेंगे कि ये मशीनें किस प्रकार से यहाँ बनाई जाती है। और पता है आपको, पता भी होगा अगर किसानी की उसकी बात करें, जो खेती की बात करें, तो पंजाब इन चीज़ों का गढ़ है। हर एक प्रकार के जो जुगाड़ होते हैं, नई नई पेशकश लाई जाती है, वो पंजाब से ही लाई जाती है। तो पंजाब की ये चीज़ें आपके सामने फिर से हाजिर है। बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपूरा, तो कोटकपूरा में फिर से हम हाजिर है और फिर दिखाएंगे आपको एक नई पेशकश छोटा पैकेट बड़े धमाल के साथ। तो अब बुलाते हैं पारुल जी को और साथ में उनकी वाइफ हरियाणा की छोरी को। आई मैम। तो पारुल जी और उनकी वाइफ हरियाणा की छोरी हमारे साथ में है, इनसे पूछेंगे कि ये छोटा पैकेट क्या काम करता है, कैसे बड़ा धमाल करता है, और ये बाकी चक्कियाँ भी किस प्रकार से काम करती है, पूरी डिटेल जानेंगे। क्योंकि हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये क्या क्या काम करती है। जब पता होगा, सारी डिटेल मालूम होगी, तभी पता चलेगा कि किस प्रकार से इसको लेकर जाए, किस प्रकार से इसका जो बजट है वो उनके अंदर आता है या नहीं आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मशीनें बहुत मन करता है लोगों का लेने का, लेकिन क्या होता है कई बार बजट के अंदर नहीं होती है। तो हम सारी चीज़ें आपको फ़ोन पर इस पे ही जानकारी सारी दे देंगे, ताकि आपको धक्के ना खाने पड़े। कई बार कोई भी बंदा है, आता है, विजिट करके जाता है, लेकिन बजट से बाहर चीज़ें हो जाती है। तो हम पहले ही सारी जानकारी आपको दे देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। राम राम सर। राम राम मैडम, कैसे हैं आप? बस सर, थोड़ी ही तबीयत खराब है, तो सांस से चढ़े हुए हैं। नहीं, ठीक है जी। सामने से मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से, पारुल छिब्बर की तरफ से, मेरे भाई राहुल छिब्बर की तरफ से, और हमारी छिब्बर एग्री टीम, यहाँ तक कि मेरी वाइफ विनु छिब्बर की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारे नु मेरी राम राम। या देखो या हुई ना आज हरियाणा के छोरी वाली बात है, समझ तो गई मैडम को कुछ कुछ पल्ला तो पड़ लगी। फिर भी देखो हरियाणा की है, अपनी तो आवेगी। तो सर अभी बात कर लेते एक बारी मशीनों की। एक मैंने इसका नाम सुना है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। बिल्कुल मैडम। तो किस प्रकार बड़ा धमाल करता है? मैम, इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाल इसलिए बोला जाता है, देखने में इसका साइज बेशक कॉम्पैक्ट है,
लेकिन जो इसका काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप हर प्रकार की गीली या सूखी ग्राइंडिंग, ड्राई या वेट ग्राइंडिंग, सारा काम आप एक ही मशीन के साथ कर सकते हैं। जैसे शादी ब्याहों में हलवाई लगे होते हैं, हमारे घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, वहाँ पर हमें ग्राइंडिंग करनी है, तो बहुत सारे काम ये एक ही मशीन आपकी कर देगी। मैडम से पूछ लेते हैं कि मैडम किस प्रकार से काम कर लेती है। देखिए, जो शादी वगैरह पे जो लोग हम मतलब पीसते हैं प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं, कि प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन किसी की भी ब्रांच है ग्रेवी बन जाती है। इसमें सूखे मसाले तक भी पीस देती है ये। कोई अगर वो भल्लों के लिए दाल बनती है ना, वो दाल पीसते हैं, वो अब तक ये पीस देती है मशीन हमारी। मतलब सूखी चीज़ें भी और गिली चीज़ें भी, तो सब कचूरा बनाकर कचुम्बर बना दे है, तो मतलब यो इसलिए बड़ा धमाल है क्योंकि इसमें सूखी चीज़ें, अली चीज़ें, गिली, मतलब सारी चीज़ें इसमें पीसी जा है, तो यो इसका बड़ा धमाल है। क्योंकि कुछ मसाले जो मसाले पीसने की मशीन होया करे, वे सिर्फ सूखी सूखी चीज़ें पीस सके, लेकिन यो आली चीज़ भी गेला पीसा है ग्रेवी बनाने खातर। जैसे कि मैडम ने बताया, तो ग्रेवी भी तैयार करता है प्याज की, टमाटर की, लहसुन की, तो हर प्रकार की ग्रेवी तैयार करता है। मिर्चे पीस देती है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तिखी मिर्चें होती हैं जो हरी मिर्चें, वो भी पीस देती हैं, तिखी हो या कैसी भी हो। मल्टीफंक्शनल ग्राइंडर बोला जाता है। बिल्कुल सर, नहीं सर वो ठीक है, लेकिन ये नाम इसका सही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। हाँ बिल्कुल, ये नाम बिल्कुल जायज है इसका। और ये क्या काम करती है सर? मैम ये हमारा आ जाता है ग्राइंडर कम पल्वराइजर, ये आपका आटा चक्की का काम करती है, और आपकी हर प्रकार की मिर्च मसालों की पिसाई, अगर आपको हल्दी की पिसाई करनी है, धनिया पीसना है, मक्की पीसनी है, तो सारे काम आपकी एक ही मशीन ये कर देगी। सिर्फ आपको ये जालियाँ होती हैं, समय समय पर जाली बदलनी होती है, और जिस चीज़ की आपको पिसाई करनी है, अगर आपको जानवरों के लिए दलिया बनाना है, वो ये काम ये मशीन आपकी करेगी। एक बार सारी मशीना की डिटेल तुमने दे दे हैं, उसके बाद फिर इनका जो रेट है उनकी भी बात करांगे, बाकी जो गारंटी वारंटी है वे भी बताओगे, तो सारी चीज़ें डटे रहो, आपने सारी चीज़ धीरे धीरे करके बताओगे। अगली मशीन पर चलते हैं सर। मैम हमारे देश में आपको पता है दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और हमारी मेरी और मेरे भाई राहुल की कोशिश ये रहती है कि कम लागत के साथ बहुत अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाए। ये मशीन हमने उन लोगों के लिए लॉन्च करी है जिन लोगों को अपना ब्रांड बना करके मार्केट में बेचना है, मिर्च मसालों की पिसाई करनी है और अपना ब्रांड बना के बेचना है। इसको बोला जाता है हैमर पल्वराइजर। ये हमारी मशीन है जो आपका हर प्रकार का मिर्च मसालों की पिसाई करेगी। तो ये मिर्च मसालों हर प्रकार की, आपको भी पता है, जैसे सर ने बताया कि बहुत अच्छी बात बताई है सर ने कि बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है हमारे देश में। बिल्कुल जी। सरकारी नौकरियां नहीं है, और भी मतलब लड़के बहुत सारे पढ़ भी लेते हैं लेकिन कुछ काम नहीं मिलता है उनको। लड़कियों के साथ भी ऐसा ही, तो कोई भी लड़के हो, लड़की हो, आदमी हो या फिर महिलाएं हो, कोई भी, तो क्योंकि ये चलाने में आसान होती है, दिखाएंगे आपको भी चला के, क्योंकि ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें कि चलाने में दिक्कत आएगी, तो लेडीज भी इसको चला सकती हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं अभी आपको इसका हैमर का और हमारे छोटे पैकेट बड़े धमाल का दोनों का आपको लाइव डेमो भी दूंगा इस वीडियो में। अच्छा सर एक बार वो और बताना परली मशीन। जी मैम, इसको बोला जाता है मैम ऑटो फीड ग्राइंडर या ऑटो सक्शन ग्राइंडर। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये साइक्लोन लगा होता है, और आपका आटा बिल्कुल ठंडा होके फ्रेश होके यहाँ से आपका बाहर निकलता है। आपने कुछ नहीं करना, सीधा बाल्टी के अंदर या बैग के अंदर आपने ये पाइप को लगा देना है। ये आपका ऑटो सक करेगा मटेरियल, मतलब कि आपका बाल्टी में से आपको डालने का झंझट खत्म हो जाएगा। सीधा आपने पाइप डालना है और आपका मटेरियल सक करके इस हॉपर के अंदर, इस पल्वराइजर यूनिट के अंदर आपका मटेरियल आ जाएगा, और यहाँ से आपका फ्रेश आटा ठंडा होके साइक्लोन होकर के बाहर आएगा। तो सर ये क्या क्या पीसने का काम करती है? मैम ये आपका जैसे गेहूं हो गया या आपका मक्की हो गया, बाजरा हो गया, उसकी पिसाई का काम करती है मशीन। मिर्च मसालों के लिए हमारा हैमर पल्वराइजर आता है, और आटा अगर आपने पीसना, गेहूं पीसना है या मक्की पीसना है, उसके लिए हमारा ऑटो सक्शन ग्राइंडर आता है। तो मतलब वो तो उसका तो आपको पता ही चले गया, उसकी तो बात ही अलग है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। लेकिन ये अलग अलग चीज़ें जिससे आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और मैडम आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी जो लेडीज़ घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं, वो घर बैठे ही अपना ब्रांड बनाकर उसको मार्केट में बेच सकती हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकती है, जिसको कमाने का जज्बा है। तो ये बात बिल्कुल मैम ने बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोली है, और हरियाणा की छोरी है तो दिमाग तो चलेगा। तो बिल्कुल अच्छी बात कही है कि बहुत सारी महिलाओं को घर से बाहर जाने की परमिशन भी नहीं होती है, और नहीं जाती है, घर पे रहती है, तो घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। वहाँ से जो मसाले होते हैं उनके वो पैक कर करके उनको बना बना के बेच सकती है, घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि, और इनका रेट भी अभी पूछेंगे बताएंगे आपको, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से ये बजट के अंदर ही होगी, क्योंकि बजट ऐसा होगा कि उनके
सिर से ऊपर ऊपर जाएगा तो फिर खरीद नहीं पाएंगे। तो बजट की भी बात करेंगे सर, पहले बजट बताओगे कि डेमो दिखाओगे? मैम पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। सर आप पहले बता दीजिए फिर आप इसका डेमो ले। आइए मैम, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाल या जिसे मल्टी फंक्शनल ग्राइंडर बोला जाता है, जिसके अंदर 3 HP का कॉपर वाइंडिंग का मोटर लगा होता है, इसका जो प्राइस है 30,000 रुपया, 30,000 है इंक्लूडिंग GST और ट्रांसपोर्टेशन, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो आपको हमारी कंपनी देगी। उसके बाद हमारा पल्वलाइजर आ जाता है, इसके अंदर 2.5 HP का मोटर लगा होता है और इसका जो प्राइस है 27,500 रुपया है, 27,500 इंक्लूडिंग GST और ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा एक मैडम, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, कुछ मेरे किसान भाई या बहन मुझे ये बात कहती हैं कि प्राइजेज़ आपकी कंपनी ने बढ़ा दिए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा, प्राइस हम लोगों ने नहीं बढ़ाई, पीछे से रॉ मटेरियल महंगा हो चुका है, हमने तब भी प्राइस नहीं बढ़ाए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारी छिब्र एग्री इक्विपमेंट्स का प्रोडक्ट हर घर घर में होना चाहिए। तो GST में पहले ये 5% में ये आटा चक्की या पल्वलाइजर कवर होते थे, GST 5% होने के कारण जब था तो 100 रुपये वाली चीज़ आपको 105 रुपये की मिलती थी, लेकिन अब GST 18% हो चुका है तो 100 वाली चीज़ 118 रुपये की हो चुकी है। तो ये जो हमारे प्राइजेज हैं जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है वो GST बढ़ने के कारण आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST बढ़ाया है तो उस कारण हमने इसका प्राइस हमें थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ा है। वैसे भी सर कसूर आपका नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। तो सर बात करें दो चुप्पी की तो उनका और एक बार रेट। मैम उसके बाद जो हमारा हैमर पल्वलाइजर आप देख रहे हैं, जो हमारा मिर्च मसालों की पिसाई करता है, तो इसका जो प्राइस है वो 40,000 रुपया है, 40,000 इंक्लूडिंग GST और ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो हमारा ऑटो सक्शन ग्राइंडर है आप देख रहे हैं, इसका जो प्राइस है 40,000 रुपया है, मतलब कि जो हमारा मल्टी फंक्शनल ग्राइंडर है 30,000 का, ग्राइंडर 27,500 का, हैमर पल्वलाइजर या ऑटो सक्शन ग्राइंडर आप लेना चाहते हैं तो 40,000 रुपया इन दोनों मशीन्स का प्राइस है। मैम तो मैम से भी कुछ बात कर लिया, आप भी कुछ पीस लेती हो मैम इसमें? जी हाँ बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल, इसमें हमने एक टाइम ये बहुत सारी ग्रेवी बनाई थी, डेमो किया था हमने इसका, खुद मतलब ट्राई किया था, तो मैंने इतना सारा मसाला उसका पीस के घर में बना कर रखा और हमने कई दिनों तक खाया। वो दिख रहा है नतीजा। सर बिल्कुल हेल्दी है। मैं भी बिल्कुल हेल्दी है। इसीलिए तो छिब्बर एग्री का आटा खाते हैं, इसलिए तो हेल्दी है। तो बताने की जरूरत नहीं है किस चक्की का आटा खाते हैं, किस चक्की का मसाला खाते हैं, तो छिब्बर कंपनी का आटा खाते हैं। जी बिल्कुल मैम। तो सर एक बारी डेमो ले लेंगे। जी आइए मैम, आपको डेमो देता हूँ। तो आइए अब मैं आपको हमारा जो ऑटो सक्शन ग्राइंडर है उसका लाइव डेमो देता हूँ। मैं उसके बीच में आपको मक्की पीस के दिखाता हूँ। यह ये पाइप है, यहाँ से सीधा आपका मक्की अंदर जाएगा। यह आप देख सकते हैं लाइव डेमो। चल देखिए,
भैया मक्की की पिसाई बहुत बढ़िया हो रही है, आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ मैं ऑटो सेंक्शन ग्राइंडर का। देखिए मसाला पीस कर और ये अनाज भी आपको पीस कर दिखाया है, वो जो छोटा पैकेट बड़ा दमाल था उसमें पीस के दिखाया है। तो सर ये कुछ अलग तरह की मशीन लग रही है मेरे को। जी बिल्कुल प्रियंका मैम, इसको बोला जाता है ऑटो फीड ग्राइंडर। तो मैंने आपको भी मक्की पीस के दिखाई है, लाइव डेमो आपको दिया है। तो एक भाई आप देख सकते हैं वैक्यूम जैसे काम करता है, अपनी तरफ खींचता है। इसी प्रकार से जो हाथी का सूंड होता है उसकी तरह इस पर लगाया गया है, ये अपनी तरफ खींचता है हाथी के सूंड की तरह और यहाँ से बाहर निकाल देता है बिल्कुल मैदा बना के। तो सर एक बारी ये बता दीजिए जब हमारे कस्टमर इसको लेकर जाएंगे तो सर्विस कैसे दोगे आप? मैम देखो हर किस्म का स्पेयर पार्ट्स हमारी कंपनी में अवेलेबल रहता है, और अगर आपको कोई भी इसका पार्ट्स चाहिए आप मेरे नंबर पे या मेरे भाई राहुल के नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो जो जो मैंने आपको इसका प्राइस बताया है, तो इसके साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के साथ वादा करता हूँ कि एक एक जाली सेट इसी रेट में लोगों को बिल्कुल फ्री में दूंगा। देखिए ये एक अच्छा बेनिफिट है लोगों के लिए, जो भी यहाँ पर कस्टमर आता है उनको जाली सेट फ्री में दिया जाता है चक्कियों के साथ में। तो एक बड़ा ऑफर है ये कि जाली सेट उनको फ्री में मिल रहा है। इसी रेट में हम आपको जाली सेट बिल्कुल फ्री में देंगे, साथ में एक जाली सेट तो लगा होगा मशीन में, एक सेट हम एडिशनल देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। देखिए मैम भी साथ में है, तो मैम देख लो सर ने वादा किया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने वादे में खड़े हैं, बिल्कुल जुबान देकर वो करते नहीं है। देख लो मैम भी साथ में है, पक्का कर दिया है, बिल्कुल साथ में जाली मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, आप आइए यहाँ आइए, हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए, यहाँ पे आके तसल्ली कीजिए अपनी मशीन की, उसके बाद ही मशीन अपने घर लेके जाइए। सर इसको जो ले जाने का प्रोसेस है? मैम अगर हो सकता है तो मेरे किसान भाई या बहन पंजाब में आए, जो कि बठिंडा से अगला शहर है कोटकपूरा, आप यहाँ पर आइए। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 98552-19706-98552-19706, और मेरे जो ब्रदर हैं राहुल जी उनका मोबाइल नंबर है 98142-31007। ये दोनों नंबर्स आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं पंजाब तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकती हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपया आपको एडवांस रूप में हमारी कंपनी में देना होगा, बाकी का पेमेंट जब आपके लास्ट डेस्टिनेशन पे नज़दीकी ट्रांसपोर्ट दफ्तर में मशीन पहुंच जाएगी आपको हमारे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से खबर दे दी जाएगी। पेंडिंग राशि आप हमारे अकाउंट में जमा करवाएंगे और मशीन की डिलीवरी आपके दिए हुए पिन कोड पे इसी रेट में कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आपसे पूछना चाहूँगी एक बार यहाँ की प्रॉपर लोकेशन हमारे कस्टमर को बता दें। जी देखिए अगर कोई भी हमारा भाई बहन कोई भी हम आना चाहता है मशीन लेने के लिए, बठिंडा से अगला स्टेशन है, बठिंडा जंक्शन के बाद आता है कोटकपूरा जंक्शन, वहाँ पर आइए आप अपने आपको लेने के लिए हमारे यहाँ से कोई भी चला जाएगा, मेंबर हम भेज देते हैं। जैसे कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग नहीं आ पाते हैं ढूंढ कर, तो यहाँ से आप सलीक से आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे भी आते हैं बाय रोड बाय बस बाय ट्रेन जैसे भी आए आप आराम से पहुँच जाएंगे यहाँ पर। एक मैम उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ये नई नई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। छिब्बर एग्री इक्विपमेंट। तो आपने नाम भी सुन लिया है, जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में लेके आती है, कुछ नया धमाल मचाती है, छोटे पैकेट बड़ा धमाल तो ये दोनों हैं यहाँ पर फिलहाल। तो आपको कैसी लगी ये नई नई जो लॉन्च हुई है मशीनें, तो ज़रूर बताना हमें कमेंट बॉक्स में, ज़रूर अपनी राय रखना और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, इनको ले जाकर बेरोजगारी से भी बच सके और हमारी जो महिलाएं हैं माताएं हैं बहनें हैं वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।